हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप जिसके बारे में सोचते हैं उसे भी ये महसूस होता है क्या, ये लॉ ऑफ एनर्जी क्या होती है? आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। यूनिवर्स पावर में आप दोनों को कैसे कनेक्ट कराया जाता है, जो वाइब्रेशंस होती हैं उनसे आप कैसे कनेक्ट होते हैं, क्या वो इंसान आपके बारे में सोचता है तो आपको भी महसूस होता है, या आप उसके बारे में सोचते हैं तो क्या उसे भी महसूस होता है। देखिए, यहां पर हम ऐसी ही वीडियो लाते हैं। मैं एक वीडियो लाया था कि कोई भी इंसान आपको याद कर रहा है या नहीं कैसे पता करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। एक वीडियो है कि जो इंसान आपको सच में चाहेगा तो वो ऐसे कौन से काम है जो आपके साथ करता है ताकि आपको पता चले कि वो आपको सच में चाहता है या नहीं। अगर ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक वीडियो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बनाई है कि क्यों हर समय कोई इंसान हमारे दिमाग में छाया रहता है, क्यों हर समय एक ही पर्सन की याद हमारे दिमाग में रहती है, ये क्यों होता है, इस पर भी वीडियो बनी है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि आप जिसके बारे में सोचते हैं उसे भी क्या महसूस होता है, जो वेव फ्रिक्वेंसियां हैं वो कैसे उस तक जाती हैं, या उसकी वेव फ्रिक्वेंसियां हैं वो आप तक कैसे आती हैं, लॉ ऑफ एनर्जी कैसे काम करती है। देखिए, आप जिस दुनिया में है ना वो एक जादुई दुनिया है, वो एक रंगीन दुनिया है, तो इस दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने इस दुनिया में जो पावर है, आपके अंदर जो पावर है, इन चीजों को समझ लिया, ये कैसे यूनिवर्स से कनेक्ट होती है आपकी पावर और यूनिवर्स इस पर कैसे काम करता है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप जैसा सोचोगे वैसा आप कर सकते हो। आप अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो आपको ये महसूस होता होगा कि मेरी लाइफ चेंज हो रही है, क्योंकि जो भी हमारी लाइफ में होता है वो होता है कैसे हमारे विचार होते हैं, कैसे हमारे थॉट हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है पता है, कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं, वैसी चीजें आपको मिल जाती हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कि हम जैसा सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं, ये कौन सा लॉजिक है? बस आप ये समझिए कि आप जिस दुनिया में है ना वो एक जादुई दुनिया है, ये यूनिवर्स पावर है, और जो इसके कॉन्सेप्ट को समझ गया तो वो इस पर काम करके वो अपनी लाइफ को सेट कर लेगा, उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। अगर इस यूनिवर्स पावर की, इस दुनिया के कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो आप अपनी लाइफ को अच्छा कर ले जाओगे, और जो इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाया तो वो अपने विचारों से ही अपनी लाइफ को खराब कर लेगा। और ज्यादातर लोगों के साथ शुरू से ही ऐसा होता है और ऐसा ही होता आया है अधिकतर लोगों के साथ, क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं सोच रहे होते हैं, वो निगेटिविटी के बारे में सोचने लगते हैं अधिकतर लोग। जैसे कि कई सारे लोग शक करना स्टार्ट कर देते हैं, वो पॉजिटिविटी के बारे में सोचते ही नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वास्तविकता में ऐसा कुछ है नहीं। शक कर करके हम अपनी लाइफ को ऐसी बना रहे हैं जैसे कि वो वास्तविकता में है नहीं, लेकिन वो निगेटिविटी वाली बातें हमारे अंदर चल रही हैं, पॉजिटिविटी है ही नहीं हमारे अंदर। तो ये जो सारा खेल होता है लॉ ऑफ एनर्जी का, जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं क्या उसे भी ये महसूस होता है, क्या ये बात उस तक भी जाती है, आपके विचार उस तक भी जाते हैं, तो बिल्कुल जाते हैं, उसे भी ये महसूस होता है, आप सोचते हैं तो उसे भी महसूस होता है। तो ये कैसे होता है, उसको भी कैसे महसूस होता है, तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ। जैसा कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली वीडियो के अंदर बताया है कि जिसके बारे में हम ज्यादातर सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा सोच लेते हैं, तो जो यूनिवर्स पावर है वो उस काम में लग जाता है कि वो चीज उस तक कैसे पहुंचाना है, या वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है तो वो वेव फ्रिक्वेंसियां आप तक कैसे पहुंचानी है, इस काम में यूनिवर्स पावर हेल्प करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर आप समझिए लॉ ऑफ एनर्जी क्या है, कि जब आप किसी के बारे में विजुलाइजेशन करते हैं, लगातार कंटिन्यू एक महीने तक किसी के बारे में आप सोचते हैं, तो उससे भी ये महसूस होता है। देखिए, यहाँ पर ये वीडियो किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। आप रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, आप जॉब चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी लाइफ में ये ठीक हो जाए, हमारी सैलरी आ जाए, हमारी इनकम बढ़ जाए, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है वो चलने लगे, मतलब कि हमारी लाइफ में सब अच्छा होने लगे, सारी चीजें पॉजिटिव हों, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव विचारों के बारे में बता रहे हैं आपको, पॉजिटिविटी के बारे में बता रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी क्या है ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी से ही आप सारा काम कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को पाने के लिए एक ही चीज काम करती है, वो है लॉ ऑफ एनर्जी। आप उस चीज को पाने के लिए उसे कैसी एनर्जी दे रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं या निगेटिव एनर्जी दे रहे हैं।
जैसे मैंने आपको बताया पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो यूनिवर्स पावर आपको मिलाने के लिए पूरी ताकत लगा देगी, आपको वो चीज मिलेगी, वैसा होगा। जब आप किसी के बारे में सोचते हैं, जैसे आपका किसी के साथ लगाव होता है, आप उसके साथ रहे होते हैं, उसके बारे में आप सोचते हैं, तो उसकी याद तो ऑब्वियसली आई जाती है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। जनरली उसकी याद आनी भी चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा ह्यूमन बींग सिस्टम है तो वो याद तो बेसिकली आएगी ही जिसके बारे में आप सोचते हैं। ऐसा ना करें कि हम उस याद को रोकने की कोशिश करें और उस याद को रोकने में हम इतने ज्यादा परेशान हो जाएं कि इधर हम एंजाइटी में चले जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं उस याद को रोकने की कोशिश में। उस इंसान की याद को रोकना नहीं है, उस इंसान की याद आ रही तो आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसकी याद से भी हैप्पीनेस फील कर सकते हैं। तो जब आप किसी के बारे में सोचते हैं, आप उसको याद करके सोचते हैं, मुस्कुराते हैं, हैप्पीनेस होते हैं, तो ये बात भी उस तक पहुंच जाती है, उसको भी महसूस हो जाता है। तो ये बात, ये थॉट्स, ये विचार उस तक पहुंचाता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके से काम करता है कि आप जिस इंसान के बारे में लगातार सोचते हैं वो चीज ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी, उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और जिसके बारे में आप ज्यादा नहीं सोच रहे हैं वो चीज कम होगी। तो अगर आप किसी के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं तो सबकॉन्शियस लेवल पर उस व्यक्ति तक वो एनर्जी जाएगी, जिस तरीके से आपके विचार हैं, आपने महसूस किया है, लगातार सोचा है, उस व्यक्ति तक वो एनर्जी जाती है। अब ये उसको साइन कैसे महसूस होंगे, तो उसको देखिए इस तरीके से साइन महसूस होंगे, या तो उसको कहीं ना कहीं आपके बारे में नाम आपका दिख जाएगा, मतलब कि अचानक से उसको कहीं ना कहीं इत्तेफाक हो जाएगा आपके बारे में, मतलब कि आपके बारे में वो नहीं सोच रहा होगा, वो इंसान आपके बारे में बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रहा होगा, आपने उसको याद किया है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो उस इंसान को आपके बारे में कुछ ना कुछ दिख जाएगा आपसे रिलेटेड, आप उसको अचानक से याद आ जाएंगे, आपका नाम उसको अचानक से दिख जाएगा, या फिर आप उस व्यक्ति के सपने में चले जाओगे, उसको सपना आ जाएगा अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं। और इसका उल्टा भी हो सकता है, या वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है, वो कंटिन्यू आपके बारे में सोच रहा है, तो ये सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे, वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है तो आपको कहीं अचानक से सपना आ जाएगा, अचानक से उससे रिलेटेड कोई चीज दिख जाएगी, उसका नाम आपके सामने आ जाएगा, या उससे जुड़ी कोई भी वार मुस्कुराहट, या उसके बारे में आप अचानक से कोई चीज देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो घटना उसके साथ हुई थी, और मतलब कि वो हमारे साथ था तो ऐसा हुआ था, अचानक से वो बात कनेक्ट करेगी उस इंसान से, क्योंकि देखिए यूनिवर्स पावर इसी तरीके से काम करती है। और अगर आप उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोच रहे हैं, यहाँ पर देखिए कि आप उस समय उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं तो वहां पर वो एनर्जी कैसी है, कितना फोर्स लगा रहे हैं उसको सोचने में, कितनी पॉजिटिविटी है, आप उसके ख्यालों में ही डूबे हैं, तो यहाँ पर ये चीजें पॉजिटिव होंगी, मतलब कि आपको कुछ और नहीं दिखाई दे रहा, आप एकदम से उसी के ख्यालों में चले गए हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ संकेत मिलेगा, या उसका कॉल वगैरह, या उसका कुछ मैसेज। तो ये जो लॉ ऑफ एनर्जी होती है, इसका प्रयोग करके आप अपने जीवन में जो हर एक चीज होती है वो चीज पा सकते हो, वो चीज ले सकते हो, चाहे वो आपके अच्छे रिलेशनशिप हो, आप प्यार पाना चाहते हो, आप जॉब, गाड़ी, बंगला, अच्छा बिजनेस, ये सब कुछ चाहते हो, पॉजिटिव एनर्जी से आप ये चीजें पा सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जनरली मान लीजिए मेरा किसी से रिलेशनशिप है, मेरा पार्टनर है, मेरा उससे झगड़ा हो गया, उससे हमारा रिलेशनशिप खराब हो गया, तो जनरली मैं क्या करूंगा, अधिकतर लोग क्या करेंगे, उस व्यक्ति के बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं, उस व्यक्ति के बारे में मैं नेगेटिव सोचूंगा अगर रिलेशनशिप खराब हो जाता तो। तो यहाँ पर आपको ये नहीं करना है, अगर आप उस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, उसको ठीक करना है, तो आप जनरली उसके बारे में पॉजिटिव सोचिए, वहां पर ये सोचिए कि उसकी अच्छाइयां, आपने उसके साथ वक्त तो बिताया होगा, उस इंसान ने आपको समय दिया होगा, आज झगड़ा हो गया तो क्या हुआ, कुछ अच्छी चीजें तो हुई होंगी आप दोनों के बीच में, वो चीजें आप पॉजिटिविटी के साथ सोचिए, जो समय आपने उसके साथ अच्छा वाला बिताया है आप उस पर विचार करिए, आप अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है उस पर लगाइए, फिर देखिए आपका रिलेशनशिप खराब होने को होगा फिर भी नहीं खराब होगा, आपका रिलेशनशिप टूटने वाला होगा फिर भी नहीं टूटेगा, क्योंकि एक तरफ से पॉजिटिव एनर्जी लग रही है, ये लॉ ऑफ एनर्जी है, ये इसी तरीके से काम करती है। अगर कोई इंसान लगातार पॉजिटिविटी के साथ उसके बारे में सोच रहा है, या वो उस काम के बारे में सोच रहा है, तो वो काम खराब नहीं होगा, वो बिल्कुल सही होगा। तो ये जो पूरा खेल होता है लॉ ऑफ एनर्जी का होता है, आप जिसके बारे में सोचते हैं उसे भी महसूस होता है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस तक जाता है, वो पावर उसके माइंड को भी कनेक्ट करती है, क्योंकि यूनिवर्स पावर में हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं किसी न किसी माध्यम से, कहीं ना कहीं किसी एनर्जी से, जो यूनिवर्स पावर में जो एनर्जी है उसके थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। हम किसी इंसान से फर्स्ट टाइम मिले
तो वहाँ पर हमें यूनिवर्स पावर कनेक्ट कराता है। हम उससे मिले तो हमें कुछ ना कुछ कनेक्शन हो जाते हैं। अगर आपने उस इंसान को कहीं ना कहीं देखा होगा तो आपको तुरंत याद आएगा कि मैंने इस इंसान को कहीं देखा है, ऐसा होता है। तो ये यूनिवर्स पावर है, ये जो लॉ ऑफ एनर्जी है इसी तरीके से काम करती है और ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर पूरी वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे लॉ ऑफ एनर्जी काम करती है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को आप समझ गए होंगे। और एंड में अभी तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लीजिएगा ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगर आपकी कोई भी कमेंट वगैरह है, लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम्स है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको अवश्य दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।